लोग पहुंच गए खेत में और खेत आपको दिखाऊंगे ना, आप चौंक जाओगे। इसको देख हम लोग चौंक गए। इसके क्या लग रहे अपने खेत ख्याल? अब हम बैठ गए खाना खाने, अभी खाए। ये क्या है, घोंसला है? तो आज मौसम है बिल्कुल खराब सा, बादल बादल से। हमें आज कहीं जाना है और वो जरूरी जाना है, तो मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है डे 9। मैं आ गई हूँ फिर से सोनी के पास, इसको सुबह की रोटी देने। सोनी लो, गुड गर्ल। तो ये सुबह हम एक रोटी गाय को देते हैं। गरीब ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में दूध है, मिक्स वेज है और सिड्डू है एक, और ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। आज हम चल पड़े फिर से अपनी दोगरी, और आज वहाँ काम करने जा रहे हैं और गाड़ी में जाएंगे, पैदल तो नहीं जाने वाले क्योंकि कुल्लू में थी गाड़ी, तो भैया वगैरह घर आ गए तो गाड़ी भी घर आ गई है। मुझे भागना पड़ेगा, मेरा ही वेट करे, मुझे भागना पड़ेगा। ये हमारी गाड़ी, हो जाओ मम्मी, मेरे को भी जाने। चलो जी चलो, जाने वाले हम चार लोग हैं, भैया है, राहुल है, मम्मी है, मैं हूँ, हम चार जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं NH पे। मैं यही लग रहा है लूरी प्रोजेक्ट, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट का काम चला है, तो यहीं पे प्रोजेक्ट का काम चला है। चल पड़े अपने खेत की तरफ। तो अब दिख रहा है प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से, ये पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा है यहाँ से। ये लग रहा है लूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे आगे आगे भैया जा रहे हैं, फिर मम्मी जा रहे हैं, फिर मैं जा रही हूँ। तो रोड से ना वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का ही है, और अगर हम पैदल आते तो हमें 1 घंटा लग जाता। वैसे गाड़ी में हमें नीचे तक आने में टाइम लगा था 20 मिनट। 9:30 के बाद हम चले थे और 10 बजने वाले अभी, और हम पहुंच भी गए हैं। तो हम लोग पहुंच गए खेत में, और खेत आपको दिखाऊंगे ना, आप चौंक जाओगे। इसको देखिए, हम लोग चौंक गए, इसके बुरे हाल है, बुरे हाल। ये देखो खेत दिख रहा है कहीं, ये हमारे खेतों के हाल है, दोगरी के हाल। क्योंकि यहाँ साल में एक बार ही आते हैं, एक बार ही काम करके जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूर है। मेरे प्लम के पेड़ थे और खेतों के बीच, तो सब पूरा ही, आज ये साफ करने आए हैं हम स्पेशली। आज का टास्क बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्या लगता है? इजी। यहाँ तो खेत हमें ढूंढना पड़ रहा है, ये खेत कहाँ है। यहाँ पे छोटे छोटे हैं, ये सीढ़ी नुमा खेत, 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ पे, और ये पाँचों के ऐसे ही हाल है। और अभी ये साफ करेंगे आज सारा, आज का टारगेट यही रहेगा कि ये साफ करना है अच्छे से। लास्ट टाइम ये पिछली बार आए थे 1 साल पहले, तब मम्मी और राहुल ही आए थे और इन दोनों ने ही साफ किया था और तौलिए किए थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही है, तुमने अच्छे से साफ नहीं किया पिछली बार। क्या लग रहे अपने खेत ख्याल? माड़े आ, ये देखो यहाँ पे, इसमें अभी हम एंटर करेंगे और इसके अंदर कांटे हैं, और ये एक यहाँ पे वो होता है कुंबरा करके घास है, वो भी है, तो हमें ये सब साफ करना है। राहुल तैयार होके खेत में घुसने के लिए। ये कंडीशन है अभी यहाँ की, एक खेत यहाँ पे साल में एक बार ही आते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए प्लम में ज्यादा मेंटेन करने के लिए भी कुछ नहीं होता, इसमें कोई स्प्रे नहीं हम करते। तो ये कर दिया हमने श्री गणेश शुरू नीचे, और इस वाले में, और यहाँ राहुल है, नीचे मम्मी है, वहाँ भैया आग भी जला रहे साथ साथ में, जलाएंगे सारे कूड़े को। दिन के 12 बजने वाले हैं, ये वाला साफ कर दिया है, ये वाला साफ हो रहा है, इससे ऊपर भी अभी ये 1, 2, 3 ये और है, उसके बाद जाके यहाँ से निपटेंगे। ये नतीजा होता है जब आप सालों बाद, साल बाद खेत आते हो ना, तो ऐसे ही होता है। ये क्या है, घोंसला है? ये है चूहे का घोंसला, चिड़िया का नहीं है, ये चूहे का है ये वाला। और मुझे लग गया है यहाँ पे कट, छोटा सा कट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर खून निकल रहा है। अब मैं चढ़ूंगी इस वाले पत्थर के ऊपर, पर बहुत धुआं आ रहा है यहाँ पे। मैं पहुंच ही गई इसके ऊपर, हाँ अब लग रहा है कि मैं काफी ऊंचाई पे हूँ। मेरे यहाँ आने का रीजन ये है, यहाँ से सारे हाल चाल दिख जाएंगे अभी। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 खेत साफ किया है, ये वाला और ये वाला, इससे ऊपर 3 खेत और है, और तो ये वाला भी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और 1, 2, 3 खेत और है साफ करने के लिए। तो यहाँ पे सारे प्लम के पेड़ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है।
अब आगे हम खेत में वापस और अब करेंगे इस वाले खेत को साफ। तो मम्मी कर रहे हैं दराट को तीखा, ये है टेक्निक। तो यहाँ से दिख रही है हमारी असली मेहनत, देखो नीचे से कितना साफ हो गया है। अभी ये हरिये रहता है और आगे भी रहता है थोड़ा, अदरवाइज फिर ये साफ हुआ वो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मम्मी बहुत काम कर रहे हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा घास है, हमारे सिर से भी बड़ा बड़ा है और साथ में इसमें कुंबरे लगे हुए हैं। घास में एक कांटा जैसा लगा होता है उसको हम कुंबरे बोलते हैं, वो लगे हुए हैं। तो बहुत थक गए हैं लेकिन अच्छा ही लग रहा है, खेत तो साफ़ हो रहे हैं, अपनी जगह भी जाना है वहाँ भी साफ़ करना है। तो हमारा आधा ही काम हुआ है, फ़र्क दिख रहा है। ये देखो नीचे के तीन खेत कितने साफ़ हो गए हैं और इधर को देखो अभी लग भी नहीं रहा पता कि यहाँ खेत भी है। ला रहा है पानी लेके, कहाँ से लाया भाई पानी? नहर का पानी लाया, कुल हमारे यहाँ दुर्गुल्ली बोलते हैं। तो अभी हो गया हमारा लंच टाइम, अब पहले लंच करेंगे, अब हम बैठ गए खाना खाने, अभी खाएंगे। खाना हम अपने साथ ही घर से लेके आए हैं और मम्मी को इतने सारे कांटे चुभ गए हैं कि क्या ही बोले। देखो वहाँ पे मम्मी अलग कर रहे हैं और अभी खाना खाते हैं पहले, फिर मिलते हैं। लंच में हम खा रहे सब्जी, सुबह भी खाई थी, और चने हैं। लंच के बाद अब काम शुरू करते हैं वापस, और थकान सी महसूस हो रही है पर शाम तक तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा और मौसम भी ख़राब होने लगा है, तो इससे अच्छा है कि काम पे लगते हैं फिर बाद में देखी जाएगी। आपने देखा तो सुबह आपने देखा होगा कि कैसा था खेत, और अभी देखो इतना तक तो साफ़ कर दिया है और 4:02 हो रहे हैं और ये भी अभी हम साफ़ करेंगे, 5 के लिए हमें फ्री होना है। तो आज का दिन तो बहुत मेहनत कर ली और मेहनत के बाद रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है, पर मुझे तो एडिटिंग भी करनी है और सबसे ज़्यादा तो आज मम्मी ने ही काम किया है। ऐसा नहीं है हम लोगों ने भी काम किया है क्योंकि हम भी सुबह से ही लगे हैं, बस लंच टाइम ब्रेक लिया था, वो भी 10-15 का ब्रेक लिया था और तब से हम काम ही कर रहे हैं और अभी ये भी फिनिश करना है। यहाँ पर टोटल प्लम के पेड़ काउंट करते हैं ज़रा कितने हैं, और ऊपर वाले में है 1, 2, 3, 4, 20, 21 आई थिंक 20 एक प्लम के पेड़ है यहाँ पे और इस वाले खेत में, और दूसरा खेत हमारा वहाँ थोड़ा आगे जाके भी है, वहाँ कल जाएंगे, आज तो कहाँ जा पाएंगे, तो वहाँ भी प्लम के पेड़ है। तो बाकी कल सुनाती हूँ इसकी स्टोरी कि क्या था पहले यहाँ पे और कैसे हम रहते थे यहाँ पे, हम तो क्या मतलब हम तो रहे नहीं कभी, दादा दादी कैसे रहते थे और मम्मी वगैरह क्या क्या काम करते थे यहाँ पे, तो वो कल बताऊँगी। और आज तो फ़ोन की बैटरी भी कम हो रही है और पर चलो, तो चलो फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ना नहर आती है ऊपर और यहाँ पे सिंचाई के लिए सुविधा है क्योंकि यहाँ से एक सामने इसके ही सामने एक पहाड़ी के पीछे से एक खड्ड आती है ना, वहाँ से इसके लिए सिंचाई के लिए नहर आती है, कुल आती है, हमारे कुल बोलते हैं उसको नहर के लिए। और यहाँ पे पहले क्यार होता था, लोग यहाँ पे सारे धान बीजते थे और पूरे साल का राशन ना वो अपना यहीं से निकालते थे। तो ये चीज़ थी डोगरी की, चुंजा में भी रहते थे, गांव में भी रहते थे और यहाँ भी आते थे, दिन भर यहाँ भी काम करते थे और शाम को घर भी चल जाते थे। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में ट्रेंड चेंज होके फिर लोग धान की जगह सब्जियाँ लगाने लगे क्यार में, फिर सब्जियाँ भी उगाते थे एक टाइम पे, फिर सबने पेड़ लगा दिए इसमें क्योंकि यहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा था, तो पहले बादाम के पेड़ लगाए थे और वो मैं कल बाकी स्टोरी कल बताती हूँ। ये वाला अब लास्ट खेत है, खेत तो क्या छोटे छोटे से है, ये 5 ये देख सकते हैं किस तरह से अब साफ दिख रहा है पहले कैसा था। अब लास्ट में है एंडिंग में, 5 तक इससे फ्री हो जाएंगे और छुट्टी भी हम 5 कर लेंगे। तो 4:47 हो रहे हैं और ये फाइनल टच हो रहा है यहाँ पे काट के, फिर हम निपट जाएंगे यहाँ से और हमारे खेत हो गया साफ, लेकिन खुद के हो गए थक के बुरे हाल। तो सुबह खेत के क्या हाल थे, अभी देखो खेत के क्या हाल है, सुबह से तो अच्छे ही हैं और काफ़ी साफ हो गया है अब बस। तो ये आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर के बाद का आफ्टर देखो, साफ़ सुथरा, पीछे खेत बहुत साफ़ कर दिया हमने और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये लास्ट था जो राहुल लेके आ रहा है और सीधा इसको आग पर डालेंगे। ओए मेरे सिर के ऊपर डाल दिया, मेरे सिर का क्या हाल बना दिया।
ये वो आग लगी थी जो बुझ गई है, लेकिन पूरा एरिया जल के काला हो गया है। कपड़ों में से मेरा धाटू, ये मम्मी और राहुल के कपड़े, तो अभी निपट गए हैं और 5 बजे से ऊपर टाइम हो गया। टाइम देख लेती हूँ, 5:09 हो गए हैं। और सबसे ख़राब चीज़ बता क्या थी इसमें, इसमें ये कुम्भरे होते हैं ऐसे, कैसे दिखाऊँगा आप, कल दिखाऊँगी है ना, तो ये होते हैं और ये चुभते हैं कांटे की तरह। और देखना मेरे धाटू में भी सुबह बहुत सारे लगे थे, फिर मैंने पूरे दिन धाटू ही नहीं पहना, और अभी पहन लेते हैं धाटू। बस फाइनल लुक तैयार, अब चले घर की ओर। जब हम यहाँ रुके थे तो पूरा खेत आपको पता है कि कैसे दिख रहा था, और अभी देखो सारे खेत कैसे दिख रहे हैं, तो काफ़ी साफ हो गया है। और अब निकलते हैं घर की ओर, चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए रोड में, ये है NH 22, पहले था NH 22, अब NH 5 है। 5 शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी जाके हम गांव पहुंच रहे हैं वापस, अब घर जाएंगे। मत ते हाय हम करो, ये प्राणायाम करता है सिंह। मैं वापस लकड़ी वाले घर में सो रही हूँ दीदी के साथ में, और अभी नींद आ रही है बहुत, क्योंकि दिन को बहुत थक गए थे यार, तो अभी जस्ट कमेंट्स पढ़ के अभी रिप्लाई करके अब व्लॉग एडिट करने लगी। और तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नया होता चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, अन्योंग अन्योंग अन्योंग। तो बाकी तो सारे घर वाले सो भी गए, पर विश्रुत को है ना रात को इसको नींद नहीं आती है, और मुझे भी नींद आ रही है, पर मुझे एडिटिंग करनी है। आप मेरी आंखों को देख सकते हो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस सोना था लगभग लगभग अब यही 2 बच्चे हैं हमारे पास, बाकी बच्चे चले गए, यही 2 बच्चे।